बहुत ही परेशानी है जी, आंख में जलन, नाक में जलन, गला में एकदम पूरा चुपचुपाहट हो रहा है। डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम, दूसरा जो ये पराली जला रहे हैं उसका समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर हुआ पड़ा है। सर गले में खराश हो रही है और आँखों में थोड़ा जलन हो रही है, जिससे कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही है। आसपास जो कूड़ा कचरा है और दिवाली में जो पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा बैन करना चाहिए। बहुत ही परेशानी है जी, हम तो खुद सीनियर सिटीजन है, लेकिन छोटे छोटे हमारे पोता पोती है, उनको भी दिक्कत हो रहा है स्कूल जाने में, सांस फूलता है, मेरा खुद ही सांस फूल रहा है, आँख में जलन, नाक में जलन, गला में एकदम पूरा चुपचुपाहट हो रहा है हालत है। हाँ, डेली का मेरा वॉकिंग है, सुबह का निकलना 10,000 से 12,000 स्टेप चलना है डेली, लेकिन सांस फूल रहा है अब इस टाइम। हाँ जी, ये स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर हुआ है 10 साल से, 10-12 साल से यानी ज़्यादा है, था पहले भी लेकिन बहुत कम था, पहले 25% था, लेकिन बढ़ते बढ़ते आप 100 पार कर चुका है। वजह एक तो जो है हमारा डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम, दूसरा जो ये पराली जला रहे हैं उसका समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर हुआ पड़ा है। बिल्कुल उठाना चाहिए इसके लिए, उस पराली के खाद बनवाएं, खेतों में एक साइड में गड्ढा बनवाएं, उसमें दबवा दें, दूसरे साल में काम आ जाएगा, 6 महीना में सड़ करके वो खाद बन जाता है। हम भी किसान परिवार से ही हैं। सर गले में खराश हो रही है और आँखों में थोड़ा जलन हो रही है, जिससे कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हो रही है, जैसे रनिंग करते हैं तो सांस जल्दी फूल रहा है, गले में खराश हो रही है, तो जुकाम और खांसी जैसा गले में खर खर कर लग रहा है, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है इससे। सरकार को जो भी आसपास जो कूड़ा कचरा है और दिवाली में जो पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा बैन करना चाहिए। असली आसपास ज़्यादा ट्रैफिक है और आसपास हमारे जो कूड़ा पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा दिक्कत है।